देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे संगीता नृत्य सीखती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। बच्चों, पहले वाक्य में संगीता व्यक्तिवाचक शब्द है, तो जब एक व्यक्ति, वस्तु या एक प्राणी का बोध किया जाता है तो वहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। सत्य की हमेशा जीत होती है, यहाँ पर सत्य एक भाव है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे आजकल चांदी सस्ती हो गई है, खाने में तेल का प्रयोग कम करना चाहिए। बच्चों, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा जो धातुएं होती है, उनका प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए ही किया जाता है। इसके बाद है तेल। यहाँ पर क्या वाक्य था? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है, उसके लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाने में तेल का प्रयोग कम करना चाहिए। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, पानी, आकाश, दूध आदि। जनता, जनता शब्द को देखिए, जो आम जनता होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु इस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए किया जाता है। वर्षा, चाहे कितनी भी भारी बारिश हो, कितनी भी वर्षा हो जाए, परंतु वर्षा शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। पानी शब्द का प्रयोग भी एक वचन में किया जाता है। आकाश एक है तो हमेशा ही आकाश का शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। दूध का भी एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है।